नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पर इसी महीने फैसला आएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार 17 जुलाई को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि इस मामले पर फैसला अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगा। इस मामले में जिरह हो चुकी है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। फिलहाल इसके लिए तारीख का ऐलान होना बाकी है। बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 48 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने उन पर भारत का जासूस होने के आरोप लगाए थे। कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं। पाक की खुफिया एजेंसी ISI ने जाधव का अपहरण ईरान से किया था। आपको बताते चले कि कुलभूषण मामले में कब क्या हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि 25 मार्च 2016 में भारत को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली। उसके बाद 11 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। 8 मई 2017 को भारत ने ICJ का दरवाजा खटखटाया। 15 मई 2017 को इस मामले में सुनवाई हुई। उसके बाद 18 मई 2017 को ICJ ने फांसी पर रोक लगाई। 25 दिसंबर 2017 को जाधव की मां और पत्नी ने पाक जाकर जाधव से मुलाकात की। 28 दिसंबर 2017 विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी संसद को दी। बता दें कि ICJ में कुलभूषण जाधव मामले में 19 फरवरी को पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने पाकिस्तान का पक्ष रखा। खान ने ICJ में तब्दील दी थी कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी हैं। पाक ने दावा किया था कि रॉ ने कुलभूषण को बलूचिस्तान में हमला करवाने के लिए भेजा था। खान ने आरोप लगाया था कि साल 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए हमले के बाद भारत का हाथ था। खान ने आरोप लगाया था कि साल 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए हमले में भारत का हाथ था। इससे पहले 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए भारत ने कहा था कि पाकिस्तान इस मामले में उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में असफल रहा। भारत ने यह भी अपील की थी कि इंटरनेशनल कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को गैर कानूनी घोषित करे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।